हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन और मैं शेफ कादिर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया रेसिपी। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ बनाएंगे हम मछली कबाब, जो बहुत ही टेस्टी और माउथ मेल्टिंग कबाब बनकर तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं मछली कबाब कैसे बनकर तैयार होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं मछली कबाब। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 पीस किंग फिश मच्छी का बोनलेस टिक्का पीस लिया है। और हमारे चैनल में आपको इसका रेसिपी मिल जाएगा, हाउ टू कट किंग फिश। और इस फोर्क के मदद से हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस पर बिल्कुल इस तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि बिल्कुल इस तरह से करेंगे ताकि जो मसाला हम इस पर मिलाएंगे इसके अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, और तभी कबाब हमारा बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार होगा। और इसी तरह से हम सारे मच्छी को रेडी कर लेंगे। और मच्छी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका फर्स्ट मैरिनेट कर लेंगे। एक पिंच सॉल्ट लिया है हमने, और एक पिंच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून प्लेन ऑयल, 1/4 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, और ये रहा फ्रेश लेमन जूस, और ये रहा प्लेन ऑयल। इस मसाले को हम मच्छी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए बिल्कुल सेट होने के लिए। जब तक हम सेकेंड मैरिनेट का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए हमने लिया है 1/4 कप हैंग कॉड, जो हमने एक घंटे के लिए मसलिन क्लॉथ में बांध लिया था। और इसके साथ हम लेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ग्रीन इलायची 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। और इसके साथ हमने लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन, और ये रहा पिंच ऑफ ऑरेंज रेड फूड कलर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये रहा भुना हुआ बेसन का मसाला। आप इसका रेसिपी हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक बॉल, और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे दही, हैंग कॉड, और इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। हमने लिया है यहाँ पे 1/4 टीस्पून, और ये रहा व्हाइट पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, और गरम मसाला पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर, और ये रहा अजवाइन, और फ्रेश लेम जूस, और ये रहा भुना हुआ बेसन का मसाला। इसे किसी भी कबाब में डालेंगे तो इसका स्वाद ही बदल जाता है। तो ये रहा थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर, और इस मसाले को हम दही के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारे मसाले दही के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। और ये देखिए कितना बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। सेकेंड मैरिनेट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम फर्स्ट मैरिनेट का मच्छी पीसेस को ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे, और कवर करके इसे एक घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे बिल्कुल सेट होने के लिए। तो एक घंटा हो चुका है, मैरिनेट कबाब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम एक सीख लेंगे।
और इस सीख पर कबाब लगाएंगे। आप इसे घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ग्रिलर हो या फिर चारकोल का सिगड़ी हो। सीख पर हम सारे मच्छी पीसेस को अच्छी तरीके से लगा लेंगे और बाकी के मसाले हम इसके ऊपर इस तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस हीट तंदूर पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, थोड़ा इस तरह से घुमा लेंगे। 4 से 5 मिनट पकने के बाद हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे और इसे इसी तरह और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बटर बेस्टिंग करेंगे। बटर से जो है ना कबाब का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और इसे इसी तरह 2 मिनट और पकाएंगे। तो फाइनली कबाब हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हम सीख पर से निकाल लेंगे और बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक प्लेट पर थोड़ा से गार्निश इस तरह से सजा लेंगे और इस कबाब को प्लेट पर निकाल लेंगे। और इसके साथ हम थोड़ा से चाट मसाला और एक पीस लेमन जूस इस तरह से और थोड़ा सा हरी धनिया लेंगे गार्निश के लिए। ये लीजिए कबाब हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, मछली कबाब। तो दोस्तों इसी तरह ओरिजिनल रेसिपी के साथ आप भी अपने घर पर एक बार मछली कबाब जरूर बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।